केस है उनके जो चल रहे हैं? देखिए, न्यायालय जुडिशियल सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं पुलिसिंग पर डिपेंड करता है। जो हम ईश्वर सिंह वाले मामले की बात करें, ईश्वर सिंह वाले मामले में कानून ये कहता है, क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि विद इन 90 डेज यू हैव टू फाइल अप, जो फाइनल रिपोर्ट है वो आपको न्यायालय में फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन ईश्वर सिंह वाले मामले में 1.5 साल हो गया है, आज तक चालान कोर्ट में नहीं दिया है। तो जब तक चालान कोर्ट में नहीं जाएगा, कोर्ट कुछ भी करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है। इसी तरह झांसा वाला गैंगरेप वाला मामला है, झांसे वाला गैंगरेप मामले में भी 6 महीने हो चुके हैं, आज तक चालान 2 कोर्ट नहीं हुआ है। और उसमें तो इन्वेस्टिगेशन में उनको ये भी पता नहीं चला है कि हमको इन्वेस्टिगेशन किस लाइन में कर रही है। कोई पुलिस वाला कहता है, एसपी कहता है कि सुसाइड है, आईजी कहता है कि थर्ड पार्टी मर्डर है, और तीसरे कहते हैं कि ऑनर किलिंग है। इनको यही नहीं पता कि आज तक हमको इन्वेस्टिगेशन किस लाइन में करना है। तो जुडिशियल सिस्टम जहाँ तक है वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, कहीं ना कहीं इंडियन जुडिशरी में भी मनुवादी लोग भरे पड़े हैं। ईश्वर सिंह वाले मामले की बात करें, एससी एसटी एक्ट कहता है कि जहाँ पर एससी एसटी एक्ट में केस रजिस्टर हो गया, उस एफआईआर के मुलजिम को एंटीसिपेटरी बेल का फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो 20 मार्च को आई है, ईश्वर सिंह वाले मामले में तो 6 महीने पहले ही एंटीसिपेटरी बेल दे दी हाई कोर्ट ने। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए जो कानून बने, हमारे जो राइट्स हैं, उनकी किस तरह से पुलिस, सरकार और जुडिशरियाँ धज्जियाँ उड़ा रही है। फिर भी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय जुडिशियल सिस्टम पर विश्वास करने के। कुछ लोग हैं वहाँ पर जो हमारी बात सुन सकते हैं, इसलिए हम जो ये सारा का सारा मामला है, ये PIL बेंच जो है, चाहे हाई कोर्ट की हो चाहे सुप्रीम कोर्ट की, उसके सामने लेके जाएंगे ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। देखिए, न्यायालय में हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें, पहले भी भारत में और हरियाणा के जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो पहले भी एससी एसटी एक्ट की धज्जियाँ उड़ाते रहे, खुलेआम उड़ाते रहे, एंटीसिपेटरी बेल देते रहे या रेगुलर बेल देते रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब मोहर मार दी, अब उनका आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ गया, वो खुल के और धज्जे उड़ाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का खुद का ये कहना है कि कोई भी कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट, लॉ से बाहर नहीं जा सकती। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कानून को लांघने का काम किया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट एससी एसटी एक्ट की लीगलिटी पर और वैधता पर, जब एससी एसटी एक्ट आया था तभी एक आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इस बारे में सवाल उठाया गया था कि ये एससी एसटी एक्ट है, ये आर्टिकल 21 को उल्लंघन करता है, इसलिए इस एससी एसटी एक्ट को ख़त्म कर दीजिए। तब भी सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने इसकी सुनवाई की थी और एससी एसटी एक्ट को ठीक ठहराया था। अपनी ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसले को ये ओवर रूल करके इस तरह की तुगल की ये फैसले सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस जो है दे रही हैं। और कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें गलत मंशा है, और जो सरकार के जो एडवोकेट्स हैं, सॉलिसिटर्स हैं, उन्होंने बहुत कमज़ोर पैरवी की, और जो हमारे समाज के जाने माने वकील हैं उनको परमिट नहीं किया कोर्ट में अपीयर होने के लिए। और इसके आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम आने वाले हैं। एट्रोसिटी करने वाले अब खुल के सामने आएंगे, उनको कानून का डर नहीं रहेगा, और पुलिस तो शुरू से ही हमारे खिलाफ़ है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगी, दुरुपयोग करेगी इस चीज़ का। एक चीज़ और मैं पूछ रहा था, जैसे ये के जो एक बात निकल पता है जिसका कोई यूज़ हुआ हो, 1995 से लेकर 2010 तक तो इसमें एससी एसटी एक्ट में एफआईआर रजिस्ट्रेशन रेट ही बहुत कम है, यानी 100 कंप्लेंट एससी एसटी एक्ट से रिलेटेड आई हैं तो केवल 5% में वो एफआईआर में कन्वर्ट किया गया, और 5 FIR दर्ज हुई है उसमें से 3 को कैंसिल कर दिया गया है, 2 जो हुई हैं उसमें से भी कन्विक्शन नहीं आया, तो दुरुपयोग का कहाँ सवाल आता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कौन सा डाटा था, जो पटिशनर था उसने ऐसा कौन सा डाटा पेश किया कि दुरुपयोग हो रहा है, सरकार के पास ऐसा कौन सा डाटा है जिसमें आगे दुरुपयोग हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि यूज़ ही नहीं हो रहा, हमारी FIR तक दर्ज नहीं होती, हम लोगों की बहन बेटियों के साथ मर्डर हो जाता है, रेप हो जाता है, उसकी डेड बॉडी के साथ हमको एक एक हफ्ता तक बैठना पड़ता है, तब जाके एससी एसटी एक्ट में केस रजिस्टर होता है, जहाँ पर पुलिस, सरकार और जुडिशियल ऑफिसर इस मेंटेलिटी से ग्रस्त हो, वो कहाँ दुरुपयोग होने देंगे।
तो ये तो बिल्कुल भी बेबुनियाद है। इनके पास कोई भी डाटा नहीं है, इनका एनसीआरबी का डाटा ही इनके खिलाफ जा रहा है। अगर ये कोर्ट्स का डाटा उठा के देख ले, कन्विक्शन रेट देखे, केवल 5 या 4% कन्विक्शन रेट है एससी एसटी एक्ट। हर जिले में चाहे वायलेंस हुई हो चाहे नहीं हुई हो, एफआईआर जरूर दर्ज की है, सीरियस ऑफेंसेस में दर्ज की है, इवन हत्या प्रयास के मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है, जहां पर किसी को चोट भी नहीं लगी है तब भी 307 लगाई गई है। आपका नंबर जब हिसार में कहीं 15 लोगों के खिलाफ दफा 307 में पर्चा दर्ज किया गया, अनलॉफुल असेंबली, पुलिस वालों के ऊपर अटैक, झूठे आरोप कि इन्होंने फायरिंग की, इनके पास बंदूक थी, जानलेवा हथियार थे, एफआईआर दर्ज की गई। उन लोगों की हमने 10 लोगों की वहां से बेल कराई। कुरुक्षेत्र में, कैथल में अभी भी लोग जेलों में हैं। करनाल से सेशन कोर्ट ने बेल रिजेक्ट किए 10-16 लोगों की, दफा 307 लगाई हुई है और किसी पुलिस वाले को चोट नहीं। हर जिले में लोग, हमारे जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं जो शांति भरी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के पहले थानों में पीटा गया, थानों में पीटने के बाद उनके ऊपर झूठे केस रजिस्टर किए गए, अब वो जेलों में उनके साथ इतना बुरा कर रहे हैं। जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट होता है, जहाँ पर फांसी के कैदियों को रखा जाता है, जहाँ पर वहीं पर खाना, वहीं पर टॉयलेट जाना, वहीं पर पेशाब करना, उन स्थितियों में हमारे लोगों को रखा जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ह्यूमन राइट वॉयलेशंस हमारे लोगों के किस कदर उन्होंने वॉयलेट कर रहे हैं, हमारे लोगों इतने बुरे हालात। क्या आपने एससी आयोग वगैरह में भी कोई कंप्लेंट दर्ज की है? एससी आयोग में भी हमने जो चंडीगढ़ का रीजनल डायरेक्टर है उसको कंप्लेंट की है, हमने एससी कमीशन नई दिल्ली खान मार्केट में भी कंप्लेंट की है, इनके सामने अपीयर भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो लोग भर्ती हुए हैं वो आरएसएस के चमचे भर्ती हो रखे हैं, जो चेयरपर्सन और जो भी मेंबर्स हैं वो हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं जाने के बाद जैसे हम उनसे कुछ उधार मांगने के लिए आए हुए हैं। जब तक किसी काबिल आदमी को या जुडिशियल बैकग्राउंड के आदमी को, किसी अच्छे विचारधारा के आदमी को इस तरह की पोस्टों पर नहीं बिठाया, इन पोस्टों का कोई फायदा नहीं है। हमारे सामने हमारे खिलाफ एट्रोसिटी करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को एससी कमीशन का चेयरमैन बिठा के चाय पिलाता है और हमारे ऊपर काउंटर एलिगेशन लगाता है कि तुम एससी एसटी एक्ट का मिसयूज कर रहे हो, तो इनसे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? बताओ आगामी योजना क्या रहेगी आपको इस धन्यवाद को लेके? सर आगामी योजना ये है इसकी कि इन लोगों को तो हम पिछले 100-125 दिनों से देख रहे हैं, इन लोगों को हरियाणा सरकार को जी, इन लोगों ने हमारे मल्टीपल रिमाइंडर्स के बावजूद, हमारे ज्ञापन लेने के बावजूद हमारे केसेस में कोई कार्रवाई नहीं की है। अब हमारे पास एजिटेशन भी हमने करके देख लिया, भूख हड़ताल भी हमने करके देख ली, पैदल यात्रा भी हमने करके देख ली, अब हमारे पास रास्ता है केवल जुडिशियल रेमेडी का। हम अलग अलग केस के हिसाब से पीआईएल में जा सकते हैं, क्रिमिनल रिट पटिशन में जाएंगे, वहाँ से सरकार को नोटिस कराएंगे और ये रास्ता हमारे पास बचा है और ये करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू।